In our previous lecture, we have understood what is prototype model. In this particular lecture, we will understand what is iterative model under SDLC. So what is an iterative model? It is basically combinations of multiple iterations while to make the software perfect. So what do? We start with some of the software specification and develop the first version of the software. This version is known as iteration. After the first version, or we can say the first iteration, if there is a need to change the software, then a new version of the software is created with a new iteration. Okay, so basically hum kya karenge, hum kuch requirements ke sath kaam karna start karenge, un requirement ke basis pe hum log kuch phases ko follow karenge jinko hum abhi padhne wale hain, and at the end we will have a software. Ye jo software hoga isko hum log review karenge for its perfection. Agar ye perfect hai, then this is the final product. If it is not perfect, इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या फिर नए रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सेकेंड इटरेशन में इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं और उसमें चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, नए चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर कोई हमारे पास एक नया आउटपुट निकल के आता है एज अ न्यू सॉफ्टवेयर. तो आफ्टर इटरेशन वन वी विल बी हैविंग फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. इस फर्स्ट वर्जन में हम लोग चेंजेस करेंगे इन इटरेशन टू, एंड उसके बाद जो हमें सॉफ्टवेयर मिलेगा दैट विल बी द सेकेंड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. सिमिलरली जितने भी इटरेशन्स फॉलो होंगे, एट द एंड ऑफ द लास्ट इटरेशन वी विल बी हैविंग अवर फाइनल सॉफ्टवेयर विच विल बी द परफेक्ट सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट. राइट, तो ये जो इटरेशन्स होते हैं ये हमारे प्रोडक्ट को, हमारे प्रोजेक्ट को रिफाइंड बनाने में हेल्प करते हैं. द इटरेटिव मॉडल अलाउज द एक्सेसिंग ऑफ अर्लियर फेजेज इन विच द वेरिएशंस वर मेड. अगर हम इटरेशन टू की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इनपुट कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम इटरेशन वन. अगर हम इटरेशन थ्री की बात कर रहे हैं देन इट विल एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम इटरेशन टू एंड सो ऑन. राइट, द फाइनल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट रिन्यूड एट द एंड ऑफ द एसडीएलसी. जो हम लोग फाइनली अपने प्रोडक्ट को जज कैसे करेंगे, जो भी लास्ट इटरेशन में हमें प्रोजेक्ट मिलेगा उसको हम लोग अपना फाइनल प्रोजेक्ट मानते हैं. ठीक है, अब इटरेटिव मॉडल की फेजेस क्या हैं. वी हैव सिमिलर फेजेस जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ी थी. तो फर्स्ट फेज वी विल फॉलो द रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट, वेयर वी गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट, वी जज दोज रिक्वायरमेंट, क्लासीफाई करते हैं हम उन रिक्वायरमेंट्स को, और उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम अधिकतर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या SRS के नाम से जानते हैं. ठीक है, इस SRS के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह से एक्सेप्ट की जानी चाहिए, किस तरह से उस रिक्वायरमेंट पे काम होगा. बेस्ड ऑन द एनालाइज्ड रिक्वायरमेंट वी प्रिपेयर अ डिज़ाइन. दिस डिज़ाइन कैन बी एनी फॉर्म ऑफ डिज़ाइन विच विल बी सूटेबल टू वर्क ऑन बाय द प्रोग्रामर्स. इट कुड बी DFD, यूज केस डायग्राम, फ्लो डायग्राम, एल्गोरिदम्स, एनीथिंग. राइट, एंड बेस्ड ऑन दिस डायग्राम वी इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. We actually start coding and implementing and testing the project. After testing the project, we will have this review phase. इस review phase में हम अपने पूरे बने हुए software को review करते हैं, requirement से match करते हैं, नई requirements आती है तो उनको भी accept करते हैं, और इस review document के basis पे हम लोग judge करते हैं कि हमें second iteration चाहिए या नहीं चाहिए. अगर हमें नेक्स्ट इटरेशन चाहिए होता है तो हम उस नेक्स्ट इटरेशन को फॉरवर्ड करते हैं विद द चेंजेस. इस रिव्यू में हम जितने भी चेंजेस होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और उन चेंजेस को हम लोग नेक्स्ट फेज में या नेक्स्ट इटरेशन में भेजेंगे. नेक्स्ट इटरेशन में फिर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं होगा, हम लोग सीधे डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दिस डिज़ाइन विल बी बेस्ड ऑन द चेंजेस दैट वी हैव प्रपोज्ड इन द प्रीवियस इटरेशन. प्रीवियस इटरेशन में जितने भी चेंजेस होंगे उनके बेसिस पे एक नया डिज़ाइन बनेगा. फिर अगेन सेम चीज़ें होंगी, हम फिर से टेस्टिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर से रिव्यू करेंगे. इस रिव्यू प्रोसेस को हम तब तक कंडक्ट करेंगे जब तक कि हमारे पास रिव्यू में कोई भी नया चेंज ना आए. जब हमारे पास रिव्यू में कोई भी नया चेंज नहीं आता और हमारा रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, इन दैट केस वी डिप्लॉय द प्रोजेक्ट. ठीक है, हम डिप्लॉय करते हैं, यानी कि अगर हम किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को कस्टमर को डिलीवर करते हैं. अगर वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए है तो हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द लास्ट फेज विच इज़ मेंटेनेंस. मेंटेनेंस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, वेयर सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, फीडबैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, एंड बेस्ड ऑन द चेंजेस बग्स को रिजॉल्व करने के लिए मेंटेनेंस को हम फॉलो करते हैं.
So this is the working of iterative model. Now where do we use iterative model? हम इस मॉडल को कब और कहाँ यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक जगह ढूंढते हैं, यानी स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढते हैं. व्हेन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ वेरी लार्ज, अगर आप मल्टीपल इटरेशंस लगा रहे हो तो उसका फ़ायदा तभी होगा जब आपका सॉफ्टवेयर का साइज़ बहुत ज़्यादा हो. अगर आपका सॉफ्टवेयर स्मॉल साइज़ का है देन मल्टीपल इटरेशंस विल ओनली कॉस्ट यू. ठीक है, आपका बजट सिर्फ बढ़ेगा. सिर्फ लार्ज एप्लीकेशंस के लिए ही दिस प्रोजेक्ट इज सूटेबल, दिस मॉडल इज सूटेबल. ओके, व्हेन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर, जब आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में आगे भविष्य में जाके कोई चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए हम लोग वर्जन्स बनाते हैं. अगर आप देखेंगे कुछ सॉफ्टवेयर के वर्जन्स आते हैं तो फर्स्ट वर्जन में हम लोग काम करते हैं एंड आफ्टर टू ईयर्स थ्री ईयर्स जो भी चेंजेस नए आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन यूज़ करने लगते हैं. तो ये उस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए भी बेनिफिशियल होता है इटरेटिव मॉडल. एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड क्लियरली एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जब आपके रिक्वायरमेंट बहुत क्लियरली मैंशनड हों उस समय हम लोग इटरेटिव मॉडल को फॉलो करते हैं. राइट, बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स वी कैन से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इटरेटिव मॉडल. टेस्टिंग एंड डीबगिंग ऑफ इटरेटिव मॉडल इज़ वेरी इजी बिकॉज आप छोटे छोटे मॉडल्स बना रहे हो, छोटे छोटे इटरेशंस बना रहे हो, उसमें आपको टेस्ट करना या एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, इनफैक्ट यही रीज़न है कि हम रिस्क को भी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन रिस्क को जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं. तो रिस्क को जल्दी आइडेंटिफाई कराना, उसको जल्दी रिजॉल्व कराना, जल्दी टेस्टिंग या डीबगिंग करना इटरेटिव मॉडल के बेस्ट एडवांटेजेस में से कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, वी कैन यूज़ दिस मॉडल फॉर पैरेलल डेवलपमेंट सिंस वी आर फॉलोइंग इटरेशंस. तो हम इटरेशंस के बेसिस पे हम लोग पैरेलली भी वर्क कर सकते हैं या पैरेलल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ ईजीली एक्सेप्टेबल टू एवर चेंजिंग नीड ऑफ द प्रोजेक्ट्स. जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स में चेंजेस आते रहते हैं जिनको हम वर्जन्स के नाम से रेफर कर रहे हैं उसके लिए ये मॉडल बहुत बेनिफिशियल होता है. तो ऐसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जो आफ्टर ईयर्स ऑफ स्पैन या फिर मंथ्स ऑफ स्पैन नया वर्जन रिलीज करना चाहते हैं वहाँ पर हम इटरेटिव मॉडल्स को बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, एंड लास्ट एडवांटेज इज लिमिटेड टाइम स्पेंट ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन डिज़ाइनिंग. तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू डॉक्यूमेंटेशन. तो डॉक्यूमेंटेशन कम होता है, लिमिटेड होता है, वेयर एज प्रोजेक्ट इज़ मोस्ट रिफाइंड एंड वैल्यूएबल. कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस मॉडल के साथ जिनको हम डिसएडवांटेजेस के अंडर कंसिडर कर सकते हैं. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट. तो अगर मैं चाहूँ कि सारे एडवांटेजेस लेने हैं बट मेरा प्रोजेक्ट का साइज़ स्मॉल है देन दिस इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल. राइट, अगर आप इटरेटिव मॉडल को फॉलो कर रहे हैं देन रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा कंज्यूम होंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इटरेशंस लग रहा है और एवरी इटरेशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज. तो ज़्यादा रिसोर्सेज हमें चाहिए पड़ते हैं जब भी हम इटरेटिव मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं. ओके, डिज़ाइंस कैन बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट रिक्वायरमेंट्स. सिंस रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे. जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था ईच इटरेशन स्टार्ट्स विद द डिज़ाइन फेज. तो डिज़ाइनिंग की कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है इस मॉडल में और मॉडल्स के कंपैरिजन में. राइट, रिक्वायरमेंट्स चेंजेस कैन कॉज ओवर बजट. मल्टीपल टाइम्स जब आप रिक्वायरमेंट्स को चेंजेस करेंगे तो बजट एक्सीड होने की संभावना इस मॉडल में रहती है. तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कम से कम बजट में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हम रिक्वायरमेंट्स को एक साथ गैदर कर लें. ठीक है, प्रोजेक्ट कम्प्लीशन डेट इज़ नॉट कन्फर्म सिंस इटरेशंस. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इटरेशंस का नंबर सर्टेन नहीं होता है. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में कितने नंबर ऑफ़ इटरेशंस लगेंगे. सिंस नंबर ऑफ़ इटरेशंस कन्फर्म नहीं है सो हम लोग कन्फर्म ड्यू डेट या एंड डेट को इनिशियली बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे इस मॉडल के साथ. आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा. कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज. थैंक यू.